नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड जेएसएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जो बहुत ही स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर एग्जामिनेशंस कब होगा। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट फोकस करूंगा कि झारखंड जेएसएससी के एग्ज़ाम्स जो 2015 से 2022 तक पेंडिंग में है उसी पर नज़र डालो। और ये हमारे पास सामने पेपर कटिंग है और पेपर कटिंग में खुद एग्जामिनेशंस के कंट्रोलर और झारखंड जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर मिश्र त्रिपाठी ने खुद ये बोला है, उन्हीं की जुबानी में आप सबों के सामने रखने वाले हूँ। और आप लोगों को संतावना बोलूँ या फिर एग्जामिनेशंस की डेट कब तक आने वाली है, सारे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो झारखंड जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होती हैं आपको उसकी अपडेट समय समय पे मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अगले हफ्ते जारी होगा एग्जामिनेशंस कैलेंडर, अध्यक्ष ने खुद बोला है। दोस्तों, एग्जामिनेशंस कैलेंडर तो आज से नहीं बहुत दिनों से जारी होते आ रहा है, लेकिन ये जारी कब तक होगा सारे डिटेल में आपको क्लियर बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए ये सारे मामला आया सामने कैसे कि सामने इसलिए आया क्योंकि जितने भी रांची के स्टूडेंट्स हैं जो रांची के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उसकी एक यूनियन चलती है, उन्होंने झारखंड जेएसएससी के अध्यक्ष के सामने आने की ऑफिस के सामने गए और उन्होंने अपने प्रस्तावना रखा कि सर अभी तक जो है 2015 से अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड एसएससी किसी तरह से एग्जामिनेशंस करवाएगी और हमें सबको अपना भविष्य इसके अंदर दिखाई देता है कि झारखंड में हमको अपना एक अस्तित्व जॉब लेना है। तो झारखंड जेएसएससी के चेयरमैन ने बताया कि अभी जो सीजीएल 2021 यानी कि 21 इसे आप मत बोलिए, 2015 से 21 बोल सकते हैं कि 21 की परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर सेंट्रल लाइब्रेरी मोराबादी के छात्र ने बुधवार को जेएसएससी कार्यालय पहुँचे थे। ओके दोस्तों, अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर छात्रों ने अपनी पीड़ा सुनाई। छात्रों ने कहा कि 2021 सीजीएल का इंतजार छात्र अभी भी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है दोस्तों कि स्टूडेंट्स अभी भी जेएसएससी की इंतजार कर रहे हैं कि सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अब मेरा एग्जामिनेशन होगा, फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा या फिर नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, आखिर कब तक होगा, ये मुझे एक डेट तो मिल जाए उसके बाद अपना रणनीति मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन परीक्षा कब होगी उसका कोई तय नहीं है, कुछ अभी तक आया ही नहीं है नोटिफिकेशन कि होगा कि नहीं, इसीलिए छात्र जो है असमंजस में है, उसके सामने परेशानियां भी बहुत तरह से है, या तो फिजिकली परेशानी है या तो मानसिक रूप से परेशानी है। लेकिन फिर भी लेकिन इसके बावजूद जेपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कुछ मामला कोर्ट में लंबित है, एक दो हफ्ता में इसकी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, सारा चीज़ पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी जो मामला है, अभी समझिए दोस्तों कि जेपीएससी चाहे जेएसएससी की नोटिफिकेशंस तो आ गई है लेकिन अभी भी कुछ मामला इसका कोर्ट में फंसी हुई है, यानी कि इसे भी हमको लगता है कि उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जो नियोजन नीति का भी खेल खेला जा रहा है दोस्तों। और इसकी उन्होंने बताया कि इसकी जो सुनवाई है एक अगले हफ्ते हो सकता आ जाएगी, उसके बाद इसके बाद कैलेंडर भी हम जारी कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि जनवरी के सप्ताह में यानी कि पहले सप्ताह में इसकी एग्जामिनेशंस भी ले ली जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको अब 2023 यानी कि 21 में आया हुआ वैकेंसी आपको 23 तक इंतजार करना होगा और अभी 23 तक सिर्फ पीटी होगी। दोस्तों आज इसमें तो आपको पता होगा कि ओनली फॉर पीटी ही है, इसमें मेंस की कोई झंझट है ही नहीं, एक ही एग्जामिनेशंस है। तो अभी तक आने की आपको जनवरी तक ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है, यानी कि 2022 में इसकी एग्जामिनेशंस की आप सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि चेयरमैन ही खुद बोल रहे हैं कि इसकी एग्जामिनेशंस जो होगी वो जनवरी में ही होगा। ओके दोस्तों, तो इसे देखिए सब कुछ क्लियर करके मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा है कि एग्जामिनेशंस जनवरी में ही होगी, तो इसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसके पहले पहले सप्ताह में ले ली जाएगी। जेएसएससी कार्यालय पहुंचे जो अभ्यर्थी थे, कुंदन ने कहा कि हमारी उम्र सीमा भी समाप्त हो जा रही है और एग्जामिनेशन समय समय पे होता नहीं है,
तो अगर हम सोचते हैं कि जेपीएससी या जेएसएससी में हम बैठें और अपना एक सीट पक्का करें झारखंड के कोई भी एग्जामिनेशन में, तो सर ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल की समय आ रही है, क्योंकि मेरे डेट जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से मैं अपना एज जो है वो खोते जा रहा हूँ। लेकिन इस पर चेयरमैन ने कोई अपनी सफाई नहीं दी और उन्होंने बस इतना ही आश्वासन दिया कि अभी जो कोर्ट में कुछ मामला फंसा हुआ है अगले हफ्ता इसकी कोई सुनवाई आएगी तो हम कैलेंडर जारी करेंगे। यानी कि दोस्तों आपकी जितने भी एग्जामिनेशन होगी अभी जनवरी से पहले कोई भी एग्जामिनेशन पे आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं भी आप जाते हैं, चाहे अध्यक्ष के पास जाते हैं, चाहे एडमिशन कंट्रोलर के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, तो अपना पल्ला ये झाड़ देते हैं और किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हैं दोस्तों। तो वही सारा चीज़ें जो है वो बहुत ही गलत है, झारखंड के स्टूडेंट्स लोग के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अन्याय हो रहा है। इसी के चलते हम लोग एक मुहिम रखे थे कि ट्विटर जो 5 नवंबर को जो जारी किया गया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा अपना सपोर्ट दिया और करीबन 5 लाख से अधिक जो है ट्विटर कैंपेन लगाया गया और बहुत अच्छा ये ट्विटर रैंक भी किया था और इसमें हमारे भाजपा के नेता भी बहुत सारे साथ दिए थे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमें साथ दें और एक हम स्टूडेंट्स को एक साथ होके अगर चलना है तो हम लोग भी एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के सामने जरूर लाएंगे जो सरकार के मुख पे एक तमाचा होगा दोस्तों। अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि एक साथ देना तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, समय समय पे जितने भी अपडेटें होगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एग्जामिनेशन होगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जनवरी से पहले कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी और हो सकता है जनवरी में भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होइएगा, कोई ठोस कदम नहीं लीजिएगा, तब तक झारखंड वासियों के साथ ऐसा खेल हमेशा होता रहेगा और होते ही आया है दोस्तों। चाहे वो हेमंत सरकार हो, चाहे वो रघुवर सरकार हो, पवलाल मरांडी की सरकार हो, आज झारखंड को अलग हुए 22 साल कंप्लीट हो गए लेकिन अभी तक एक भी एग्जामिनेशन जो है सही तरीके से कनेक्ट नहीं करवाया गया है और जितने भी एग्जामिनेशन हो रही है सारे के पीछे बैंक बेंचर या फिर डेस्क के नीचे घुसखोरी का ही मामला सामने नजर आ रहा है दोस्तों। इसलिए नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन हो, हम लोग सबको एक साथ आना होगा और अपना हमेशा 100% देना होगा, जिस तरह से टाइगर सराफ ने दिया है, आने की हमारे जयराम टाइगर जी ने दिए हैं, उसी तरह से हमारे बहुत सारे हैं, मनोज भैया जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं अभ्यर्थी भी रहे हैं जो हम लोग को बहुत सारे सपोर्ट भी करते हैं, उसी तरह हम लोग सबको एक साथ आना होगा और एक साथ हम लोग को मिलकर काम करना होगा। अगला अंजाम भी हम लोग सरकार के मुंह पे एक तमाचा जमारने वाले हैं जो बहुत ही हम लोग के लिए एक निर्णायक साबित होगा और ये जो टाइम जो किलिंग हो रहा है उससे बचा जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।